दोस्तों ये है 2023 मॉडल हीरो की ग्लैमर एक्सट्रैक। अब देखिए ये पूरा पीछे का जो फेंडर है बिल्कुल चेंज करके यहाँ पर कंपनी ने बरसाती इस तरह से पीछे लगा दिया है, जिस पर आपको एच का लोगो यहाँ पर मिल जा रहा है। पहले ये जो फेंडर था ये सुपर स्प्लेंडर की तरह यानी कि इतना लंबा था, अब यहाँ पर इसको इसकी हाइट कम करके छोटा कर दिया है और यहाँ पर आपको अलग से दे दिया है बरसाती, जो कि एक स्टाइलिश लुक और एक स्पोर्टी लुक देता है। अब दोस्तों इस बाइक को अगर आप देखोगे तो ये है E20 ग्लैमर एक्सट्रैक। इसका ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स, क्या क्या नया चेंजेस अपडेट हुआ है, ये मैं आपको सारी डिटेल्स इस बाइक का देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो विंड ग्लास आपको एक स्टाइलिश लुक के साथ यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा, एस का लोगो, और उसके बाद DRL लाइट यहाँ पर आपको मिलेगा दो, और यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग, फुल LED हेडलाइट यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मिलेगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास पर चारों इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं इस तरह से बल्ब वाले। और इस बाइक का जो मिडगार्ड है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फुली यहाँ पर आपको काफ़ी हैवी लुक के साथ मिलेगा। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा, 618 का ट्यूबलेस टायर, ग्लैमर और यहाँ पर सिल्वर कलर का टाइपिंग मिल जाएगी, तो एक नई अलॉय व्हील यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस हुआ है दोस्तों, ये आप वीडियो को पूरा देखिएगा सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बदल गई है ग्लैमर। यहाँ पर देखेंगे तो ग्लैमर का 3D का एल्युमिनियम वाला ब्रांडिंग आपको मिलेगा, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरह से कटिंग दिया गया है, यानी कि ये बिल्कुल चेंजेस क्या है। एक्सट्रैक का नया लोगो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक नया ग्राफिक मिलेगा, ये वाला तो आता ही था, यहाँ पर सिल्वर वाली टाइपिंग। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है यहाँ पर E20 का ब्रांडिंग मिल जाएगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फ्यूल टैंक का कैप इस तरह से मिल जाएगा, और गाड़ी का जो लुक है वो इस तरह से आएगा कि स्पोर्टी लुक आपको मिल जाती है ग्लैमर एक्सट्रैक में। यहाँ पर जो फाइबर दिया है कंपनी ने, ये चीज़ लगा के बहुत ही गजब का यहाँ पर बना दिया है। इस साइड से भी आप गाड़ी को देखेंगे तो कुछ अलग ही ये गाड़ी दिखेगी। तो ग्लैमर एक्सट्रैक है दोनों साइड पर, ये वाले 3D वाली आपको एल्युमिनियम की बैजिंग मिलेगी, और E20 फ्लेक्स फ्यूल BS7 बाइक है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्टर I3S मिल जाता है, बैंड पाइप वाला यहाँ पर आपको हैंडल बार, यहाँ पर हीरो का लोगो इस तरह से मिलेगा देख सकते हैं, नए ग्राफिक के साथ फुली डिजिटल मीटर आपको हीरो का मिल जाता है ग्लैमर एक्सट्रैक में एक्सपल्स वाला, और यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इग्निशन, ये पूरा डैशबोर्ड जो बिल्कुल भरा एकदम मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। पासिंग बटन, हाई लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है, सारी स्विचें। अब उसके बाद दोस्तों इंजन की बात करें तो इस बाइक में आपको 124.7 cc सिंगल सिलेंडर OSC एयर कूल 5 गियर के साथ ये बाइक आती है, 50 का माइलेज आराम से निकालेगी। साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है, OBD2 है यानी E20 फ्लेक्स फ्यूल अपडेटेड हो चुकी है। यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाएगा, सिंगल चेसी इस तरह से दी गई है, और इसकी चाबी यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं, ये है इसकी चाबी, और चाबी भाई काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ कुछ हैवी दे दिया है यहाँ पर, और लुक जो है काफ़ी बेहणिया मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइड पर प्रोग्रामेड FI यहाँ पर बैजिंग, और ये देखिए I3S और इस तरह से सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सबसे गजब का साइड के पैनल पर मिलेगा। फुली चेन कवर यहाँ पर आपको मिल जाता है फाइबर का, फ्लेक्सिबल फुटेस्ट यहाँ पर आपको दोनों मिल जाएंगे, उधर भी दोनों रहेगा सेम। अब यहाँ पर मेन स्टैंड देखेंगे तो कुछ अलग से यहाँ पर मजबूती दी है, और साइड स्टैंड पर भी अगर आप देखेंगे तो एक नया चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सारी गार्ड दिया गया है लेडीज़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा। 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर यहाँ पर सस्पेंशन डबल पीछे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको हीरो का लोगो मिल जाएगा, और इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं फेंडर इस तरह से मिलेगा। सीट आपको बिल्कुल सोफा वाली दी गई यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी मुलायम, पहले वाली से काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर ग्रेब्रिल जो है वो पहले आता था जुड़ा हुआ इस तरह से देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ये स्प्लिट यानी अलग अलग, ये चीज़ से थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आ जाता है इस बाइक में। चाबी लगा के यहाँ से आप सीट खोल सकते हैं, पीछे का जो इंडिकेटर और आगे सेम टू सेम रहेगा। टेल लाइट आपको फुल LED वाली यहाँ पर आपको मिल जाती है स्टाइलिश लुक के साथ हीरो का लोगो। अब यहाँ पर देखिए ये 20/4/2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल नंबर प्लेट की लाइट, अभी देखिए पीछे क्या कर दिया है कंपनी ने, ये देखिए यहाँ पर जो है चार नट के साथ एक फेंडर पीछे जो है बिल्कुल एकदम मडगार्ड आप बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए इतनी मजबूती के साथ इसको ऐड किया है कंपनी ने, ये देखिए। अब ये चीज़ देखकर भाई बाइक का लुक ही बदल दिया है एकदम, ये देखिए एकदम ज़बरदस्त बना दिया है ग्लैमर। अब ये जो है दोस्तों पहले वाली बिल्कुल फेल हो चुकी है, अब ये देखेगी कुछ अलग ही। 130 mm का पीछे ड्रम ब्रेक एक नई अलॉय व्हील के साथ टाइपिंग के साथ, 180/18 का ट्यूबलेस टायर यानी कि टायर जो है वो भी कंपनी ने बढ़िया कर दिया है, ये देखिए सस्पेंशन दोनों सेम रहेंगे। अब देखिए साइलेंसर इसका पतला हो गया, पहले काफ़ी चौड़ा और था, यहाँ पर इसकी जो मोटाई थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी सा स्किनी कर दिया पतला, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया किया है। फ्लेक्सिबल फुटेस चारों मिल जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ब्रेक लीवर का तो जो है तेल है ब्रेक का, और ये भी आपका सस्पेंशन सेम रहेगा। इस तरह से आप लुक देख सकते हैं इस गाड़ी का, तो भाई गाड़ी बिल्कुल बदल चुकी है और काफ़ी नए फीचर के साथ आ चुकी है। इसकी जो कीमत है वो 1,07,000 ऑन रोड प्राइस है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।